तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और आपके सामने देख पा रहे हैं एक टोयोटा की कोरोला लेके आया हूं, जो कि 2015 का मॉडल है। इससे पहले मैं 2019 का मॉडल का डैशबोर्ड खोल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं 2019 का मॉडल तो आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं 2019 वाला मॉडल वीडियो। तो इसका हुआ क्या है, इवापोरेटर कॉइल लीकेज है, यानी लीकेज तो लीकेज प्रेशर मार के रखा हूँ लेकिन बट प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, ज़रा भी प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। दो दिन तीन दिन तक प्रेशर रखेंगे तभी जाकर के माइनर प्रेशर ड्रॉप होता है। बाहर मैंने पूरा चेक कर लिया, ए टू जेड पाइपलाइन कंडेंसर कॉम्प्रेसर उसके बाद सब, यानी जितना भी है हर एक ज्वाइंट वगैरह सब चेक कर लिया, कहीं से कुछ लीकेज नहीं मिल रहा है। कुछ गैस का कहीं से कहीं लीकेज रहता है तो गीला होता है, मॉइस्चर वगैरह पड़ा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा ऑयल वगैरह रहता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बाहर। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें मेंशन करूँगा कि चलो इसका आज कूलिंग कॉइल खोल के देखते हैं एवापोरेटर कॉइल के अंदर लीकेज है या नहीं। अगर गैस मार देते हैं इसमें तो 3 महीना कंटिन्यूसली चलता है, बराबर 3 महीना बराबर चलेगा, कूलिंग होगा, 3 महीने बाद कूलिंग गायब हो जाता है, नहीं तो कूलिंग कम होने लगता है बिल्कुल। तो यही चीज़ ये वीडियो में यही डिस्कस होगा और यही चीज़ बताएंगे कि सच में इसका कॉइल लीकेज है या फिर कहीं और से लीकेज हो रहा है या फिर क्या फंडा है, या कंप्रेसर लीकेज है, कंप्रेसर का ऑयल से लीकेज है। कभी कभी ना वैक्यूम में लीकेज दिखाता है ना प्रेशर में लीकेज दिखाता है, कंप्रेसर का ऑयल से लगे लीक रहता है तो रनिंग में लीकेज होता है। तो चलो सबसे पहले कूलिंग कॉइल खोल के रिप्लेस नया डाल के इसमें देखेंगे, फिर आगे का क्या ये चीज़ ये प्रॉब्लम कूलिंग कॉइल में लीक मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ, इग्निशन ऑन हो चुका, अब गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट हो चुकी गाड़ी, लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है अंदर, एक डोर का लाइट है, एक सीट बेल्ट का और एक हैंड ब्रेक का, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब सिस्टम चालू है और मीटर में से कोई लाइट नहीं है। तो चलो मैं करता हूँ इसको ऑफ और फर्स्ट अप ऑन, चलते हैं बैटरी वायर निकालने के लिए। बैटरी वायर निकाल के फिर मैं आकर के दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली बैटरी वायर रिमूव हो चुका, तो चलो सबसे पहले जो है कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करता हूँ। और आप अगर खोलना चाहेंगे तो स्टीयरिंग के तरफ से भी खोल सकते हैं। और इसका जो डैशबोर्ड है ना, सिंगल सिंगल निकलेगा, अखंडी नहीं निकलेगा, जैसे हुंडई की गाड़ियों में निकलता है, लगभग गाड़ियों में निकलता है, पूरा अखंडी पल्टी मार देते हैं, इस तरीके से इसमें नहीं निकलता है। तो इसका छुट्टा खोलना स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। तो आप यहाँ से भी स्टीयरिंग के तरफ से भी खोल सकते हैं और कंसोल बॉक्स से भी खोल सकते हैं। तो मैं पहले कंसोल बॉक्स का सेटअप खोल देता हूँ, तो मेरे को इधर खोलना इजी पड़ता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप स्टीयरिंग की तरफ से खोलें या फिर कंसोल बॉक्स की तरफ से। तो कंसोल बॉक्स का मेरे सबसे पहले ये गियर का जो नॉब है इसको खोल देता हूँ। तो ये निकल चुका अपना, अब माइनस स्क्रू ड्राइवर से जो है इसको निकाल दिया इसको। उसके बाद अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा कैसा दिया हुआ है, तो अब ये निकलेगा। यहाँ से तो निकल गया, ये वाला जो है उसको अंदर ले लेते हैं, ये भी निकल चुका फाइनल। अब आगे से इसको सॉरी मैं एक बात और बोलना भूल गया कि आप ये वाला जो है ना बैटरी वायर निकाल देंगे और आप इसको अगर पीछे लेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, देखिए मैं क्लच पे पैर रखा हूँ लेकिन बट ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये लॉक हो जाता है, जब तक इसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं दोगे अब तक ये इसका मोटर काम नहीं करेगा और ये गियर शिफ्ट होगा नहीं। तो चलो इसको मैं यहाँ से, यहाँ पे होल दिख रहा है, यहाँ से इसको
ये कर देता हूँ, ज़रा चेंज कर लेता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। तो देख पा रहे चेंज हो चुका, अब अपना ये इजीली बाहर आ जाएगा। ये निकल गया, अब भी ये वाला चीज़ निकालना है अपने को। इसके अंदर दो 10 नंबर दिया हुआ है, दोनों 10 नंबर खोलता हूँ मैं। खोल के ये अपना इजी स्टेप में बाहर आ जाएगा। और एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये है। अच्छा, स्क्रू खोलने से पहले ये वाला भी खोलना चाहेंगे तो खोल लीजिए आप, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ईजी है इसका डैशबोर्ड खोलना। तो चलो अब मैं स्क्रू दो 10 नंबर खोलता हूँ। तो फाइनली चारों स्क्रू इधर का, दो स्क्रू बताना भूल गया था, एक ये और एक ये, चारों स्क्रू खोल दिया हूँ, दोनों दो 10 नंबर यहाँ का खोल दिया हूँ। अभी अपना इजीली बाहर आ चुका, तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। तो फाइनली ये चीज़ें खुल चुका अपना। अब आते हैं ये सामने वाले का फ्लैप निकालते हैं, सॉरी फ्लैप बोलता हूँ, कवर निकालता हूँ। ये संभल के खोलना है इसको, ये बहुत नाजुक रहता है, कहीं टूट बीट ना जाए। इसको इसको डॉल लगाना इधर। इधर से निकल चुका, इसे गैप तो बन गया हाथ जाने के लिए। ये वाला पहले आ गया, ये भी साथ में आ जाना चाहिए। कुछ तो टूटा, लॉक वगैरह टूटा रहेगा शायद। क्या दरवाजा खोल देते हैं इसको। तो देख पा रहे ये निकल चुका, और यहाँ का सॉकेट रहेगा। और एक सॉकेट यहाँ पे है, ये वाली। तो निकल चुका ये फाइनली। कुछ तो टूटा इसका, क्या पार्ट टूटा, ये देखो यहाँ का लॉक टूट गया। ये इस वजह से ये संभाल के खोलूँ, यहाँ का एक लॉक टूट गया। तो मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। तो ये फाइनली खुल चुका अपना। अब अपन कंट्रोल पैनल खोल लेते हैं, सेम उसी तरीके से निकलेगा कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल निकालने से पहले ये वाला निकलेगा, लेकिन बट मैं इसको अभी निकाल रहा हूँ तो निकाल ही देता हूँ, क्योंकि पहले इसको निकालना रहेगा। तो ये फाइनली निकल चुका। अभी यहाँ पे ये वाली केबल बहुत अड़चन करती है, तो ये केबल का बटन अपने को निकालूँ क्या करूँ, पहले सॉकेट निकालता हूँ। टेबल वाला सिस्टम, ये वाला केबल बहुत बेकार रहता है, डेंजर रहता है। तो इसको जो है ना मैं यहीं से निकाल देता हूँ। तो चलो निकाल देता हूँ पहले यहाँ से लॉक कटा करके। तो बटन एक तो निकाल दिया हूँ। आप जो ये डायरेक्शन वाला है, या डायरेक्शन वाला, तो आप इसको लास्ट पोजीशन में ले लें, यानी सामने रख करके इसको निकाल दें। हवा का डायरेक्शन जहाँ से निकालते हैं, जहाँ पे रख करके फिर वापस से वहीं पे फिटिंग करना है आपको। तो मैं सामने रख के निकाला हूँ इसको। और ये लॉक जो देख रहे हैं, ये वाली लॉक रहता है, ये वाली लॉक को कटा के निकालना है आपको। तो ये फाइनली निकल चुका सब। तो इसको मैं लास्ट पे पोजीशन में रखा हूँ, हीटर का भी कूलिंग पे रखा हूँ, और इसका भी सामने हवा रखा हूँ। तो अब इसको निकल चुका है, पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब निकाल लेते हैं टेप अपन। 4 10 नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो चारों 10 नंबर खोलता हूँ। तो फाइनली टेप का चारों बोल्ट खोल चुका हूँ, 10 नंबर जो मैंने आपको दिखाया। तो अब देख लेते हैं इसमें कितना सॉकेट है, देख लें। एक हाथ से निकालना बहुत मुश्किल काम रहता है,
लेकिन बस सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। निकल जाता है, थोड़ा टाइम लेता है, चलो ये भी हो गया। और एक सॉकेट यूएसबी वाला इसमें गया रहेगा। यहाँ पे है तो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो अंदर से इसका लॉक दिया हुआ रहता है, मैं खोलता हूँ इसको। तो आपको ये वाला जो लॉक है इधर से दबाएंगे, दोनों बाजू से अंदर से इसको डोर से दबाओगे तभी निकलेगा। तो उसके बाद अपना टेप निकल जाएगा। तो टेप निकल चुका, तो अब आ जाते हैं एयरबैग की तरफ। टेप को ज़रा मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो एयरबैग खोलने के लिए ये देख पा रहे हैं लॉक, तो इसको लॉक को माइनस स्क्रूड्राइवर से इस तरीके का इसको डाल लेना है। देख पा रहे हैं ये निकल चुका एक लॉक, दूसरा लॉक ये भी दिख रहा है, दो भी निकल चुका और एक लॉक रहेगा। आई थिंक ये वाला दिया है। तो ये देख रहे हैं इजीली दिख रहा है। तो अपना एयरबैग अब निकल जाएगा। स्टीयरिंग सीधा कर लेता हूँ। तो ये निकल चुका अपना, ये सॉकेट वगैरह सब निकालता हूँ मैं। ये वाली सॉकेट आपको किस तरीके से निकालना है, ऐसा माइनस इसको डाल लेना है। इससे बारीक माइनस स्क्रू ड्रॉवर चाहिए इधर, तो इससे मैं निकाल दिया हूँ। तो ये फाइनली निकल चुका। अब ये अर्थिंग वाला रहता है जो हॉर्न का रहता है, यहाँ से अर्थिंग का सिग्नल जाता है। तो ये अपना निकल चुका। अब यहाँ पे ये नट खोलता हूँ मैं। तो ये नट खोलने के लिए अपने को ये वाला मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 19 नंबर का है नट, तो इसको मैं डाल देता हूँ इधर। अब इसको ये इजीली अपना खुल चुका, देख पा रहे हैं कितना टाइट रहता है, ले ये अपना इजीली खुल चुका। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या करना है कि ये स्टीयरिंग जब आप निकालेंगे ना, व्हील स्टीयरिंग व्हील, तो आप क्या करें कि यहाँ पे मार्किंग कर दें, इसको लेके मार्किंग कर दें। जब आप बैठाएंगे, खोलना आपको इस सीधी पोजीशन में है, और आप जब बैठाएंगे तो आपको इजीली बैठ जाएगा और अलाइनमेंट वगैरह चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या ट्रायल मार के चेक करें कि सीधा है या थोड़ा सा आउट है, वो सब कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं मार्किंग कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो आप देख लीजिए किस तरीके से मैं मार्क किया हूँ, इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसके ऊपर दिख रहा हूँ आपको, यानी स्क्रैच कर दिया हूँ थोड़ा सा, ताकि बैठाने टाइम अपनी यही पोजीशन में खोल दें। अब स्टीयरिंग व्हील निकालता हूँ, अगर आपका नहीं निकलता होगा तो थोड़ा सा इसको चारों बाजू से फटका मार दें, और उसके बाद अपना सीधी पोजीशन में रख करके इसको इजीली निकाल देना है। निकल चुका ये, अब ये तो घूमेगा नहीं, क्योंकि टोयोटा की लगभग गाड़ियों में ना ये स्टीयरिंग व्हील डालने के बाद ही ये जो है ना, ये पोर्शन है ना, ये दबता है फिर ये घूमता है। तो ये निकालने के बाद ये ऊपर आ जाता है, तो ये घूमता नहीं है। तो चलो अब मैं ये कवर निकालता हूँ, दो स्क्रू ऊपर है और दो स्क्रू नीचे रहेगा, तो ये खोलता हूँ मैं। तो फाइनली स्क्रू खोल दिया हूँ, अब इसको आपको कटाना है थोड़ा सा,
इसके नीचे स्क्रू दिया हुआ रहेगा आई थिंक, तो नीचे वाला पहले लेना है आपको। स्क्रू तो नहीं दिख रहा है निकल, ये थोड़ा अंदर चला गया अपना। तो फाइनली दोनों निकल चुका। अब अपने को क्लॉक रिंग निकालना है। क्लॉक रिंग के लिए एक सॉकेट ये वाली है, इसको स्लाइड करना है, फिर ये निकल चुका, ये निकल चुका, ये भी निकल चुका, ये भी निकल चुका। अभी इसको रहने देता हूँ क्योंकि अभी अपने को उधर जाना नहीं है। ये भी निकल चुका। अब क्लॉक रिंग को निकालना है, एक नीचे लॉक दिया हुआ रहता है, एक ये वाली लॉक और एक सामने इधर दिया हुआ रहता है। निकल चुका। तो फाइनली ये निकल चुका, मैं बिंदास हो गया इसकी वजह से खोला इसको, क्योंकि ये घूमेगा नहीं अपन बैठाने टाइम, इसको सीधे पोजीशन में बैठा देंगे, मुश्किल नहीं। चलो ये निकल चुका। अब अपना इसको निकालना थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें ना तो कोई लॉक दिया है ना कोई स्क्रू दिया हुआ रहता है। इसको आपको सिर्फ लॉक है, सॉरी लॉक को बहुत मुश्किल देता है ये लॉक निकालने में। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ, फिर बाद में दिखा देता हूँ कि कौन सा लॉक प्रेस करने का रहता है। तो फाइनली ये निकल चुका, ये देख पा रहे हैं, ये वाली लॉक और एक ये वाली लॉक, बस यही दो लॉक है जो कि आप प्रेस करेंगे ये निकल जाता है। तो अब ये हो गया। अब अपने को इधर क्या निकालना है, सबसे पहले मीटर का कवर निकालना है। ये इसके साथ आएगा, तो माइनस इसको डाल ले लेना है अपने को। पहले निकल गया, फिर ये निकल गया, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब मीटर में एक स्क्रू ये, एक स्क्रू ये दिख रहा है, तो ये दोनों स्क्रू खोलता हूँ, मीटर बाहर लेता हूँ। तो दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ, अब ये मीटर बाहर आ जाएगा। आ नहीं रहा है क्योंकि कोई लॉक लॉक में रहेगा, निकल गया। तो चलो इसका सॉकेट इसको पूरा बाहर ले लेता हूँ मैं। तो देख पा रहे हैं दो सॉकेट है, तो दोनों सॉकेट निकालता हूँ मैं। तो इसका सॉकेट सेम उसी तरीके से निकलेगा, प्रेस करेंगे फिर निकल जाएगा ये। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद अपने को खोलना क्या है इधर का, तो इधर का सबसे पहले आप आ जाइए इधर, ये वाला कवर देख पा रहे हैं, ये निकलेगा, ये रबर निकाल दें, ये निकल चुका, पीछे होल्ड कर दिया इसको। अब अपने को खोलना है ये वाला चीज़ है। तो इससे पहले वो पूरा साथ आएगा, तो नीचे स्क्रू दिया हुआ रहेगा, एक स्क्रू यहाँ है और इसको खोलना पड़ेगा मेरे को, एक स्क्रू इधर है, तो नीचे का ये खोल के ये सब स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो फाइनली नीचे का तो स्क्रू वगैरह और इसको खोला गया, यहाँ 10 नंबर रहता है इसकी वजह से खोला गया। सबसे पहले इसको निकाल देते हैं अपन, फिर उसके बाद ये निकलेगा। ये निकालना थोड़ा सा लॉक के
फाइनली ये निकल चुका है, इसमें एक सॉकेट है। ये लॉक रह गया इसका इधर, ये लॉक लगाना पड़ेगा मेरे को उसमें। अब उसके बाद ये बोनेट केबल है, ओबीडी सॉकेट है, और बस बोनेट केबल ओबीडी सॉकेट। तो ये जो है डैशबोर्ड के साथ निकलेगा, नीचे वाला डैशबोर्ड। इसका जो डैशबोर्ड है दो भागों में निकलेगा, पहले ऊपर वाला निकलेगा फिर नीचे वाला निकलेगा। तो इसको निकाल देता हूँ। तो आप बोल सकते हैं पहले तो ऊपर वाला निकलेगा तो ऊपर वाला को निकाल देते हैं, लेकिन बट मैं इधर बैठा हूँ तो अभी सबको खोल ही देता हूँ, इधर का जितना भी खोलना है इधर सबको खोल ही देता हूँ। अब ये नीचे का जो है देख रहे हैं, यहाँ से देख रहा हूँ ये वाला। तो ये वाला खोलने के लिए एक लॉक दिया हुआ रहता है, इसमें हाथ से प्रेस करेंगे निकल जाता है। तो ये देख पा रहे हैं ये वाली लॉक रहती है, ये वाली। तो ये निकल चुका अपना, अब अपना इजीली ये निकल जाएगा। हार्ड जा रहा है इसका लॉक, बहुत जाम रहता है। तो खुल चुका है, अब अपने को खोलना है। इसको निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं, अब खोल लेते हैं इसको। ऐसे निकल जाएगा खींच के, निकल नहीं रहा है क्योंकि देख पा रहे हैं ये वाला जो मेटल है ना, मतलब फाइबर है ना, देख पा रहे कितना नरम हो चुका है। देख रहे हैं हाथ से अगर इसको निकालेंगे ना, ये छोड़ दिया है, नहीं यहाँ का हेड इतना है कि ये गर्म होकर के ना पिघल गया है पूरा। इसकी वजह से इसको दबा के रखा था इधर, देख पा रहे ये काला हो गया, इसकी वजह से दबा के रखा था। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब अपने को ऊपर वाला डैशबोर्ड किस तरीके से निकलेगा वो चीज़ें दिखा देता हूँ ज़रा सा आपको। तो ये अपने को बाद में निकालना पड़ेगा, इसको डाल लेता हूँ माइनस वाला। देख पा रहे हैं ये चीज़ अलग होता जा रहा है, ये चीज़ अलग यहाँ से हो गया, यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया, लेकिन बट अभी उधर से नहीं होगा क्योंकि उधर से उधर का खोला नहीं हूँ कुछ अभी। तो चलो उधर चलते हैं, उधर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इस साइड आ चुका हूँ मैं। तो इस साइड आपको सबसे पहले ग्लो बॉक्स खोलना है, ये वाला लॉक है ये निकाल देना है, फिर ये अपना इजीली निकल गया। तो इसको पीछे होल्ड कर दिया हूँ मैं। अब अपने को खोलना क्या है इधर का एयरबैग का, ये 12 नंबर जो बोल्ट दिख रहा है ये वाली, ये सॉकेट, ये भी खुल चुका। अब ये सॉकेट आई थिंक इसके साथ ही रहेगा, आप ना खोले तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं खोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ से भी खोलना पड़ेगा। ये नीचे वाला डैशबोर्ड से गया है। तो अब अपन इधर आ जाते हैं, इधर ये वाला अलग करना पड़ेगा। उसके बाद इसको निकालना पड़ेगा, सेम इस तरह इधर भी पकड़ लिया है उसको, और यहाँ पे एक क्लिप रहती है उस साइड भी रहता है। तो मैं आपको उस साइड का दिखाया नहीं, क्लिप निकालते टाइम ये वाली क्लिप है। तो ये फाइनली निकाल चुका हूँ। अब अपना ऊपर वाला डैशबोर्ड नहीं निकलेगा अभी, क्यों? क्योंकि ये 12 नंबर खोलूँगा तभी निकलेगा। तो चलो इसको खोलता हूँ। तो फाइनली ये 12 नंबर खोल चुका हूँ, अब ये अपना इजीली ऊपर आ जाएगा। देख पा रहे हैं इजीली आ गया ये ऊपर। तो अब अपन इसको बाहर ले सकते हैं। अब आपको एक बार और भी देख लेना है कि कहीं कोई सॉकेट वगैरह तो लड़ तो नहीं रहा है, टच तो नहीं है, कुछ ऐसा सिस्टम है तो उसको निकाल देना है। तो चलो इसको मैं बाहर लेता हूँ। यहाँ पे एक सॉकेट रहती है पर इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ये घड़ी का। तो चलो
बाहर लेता हूँ मैं। तो फाइनली देख लीजिए आप, ऊपर वाला डैशबोर्ड निकल चुका। अब अपने को नीचे वाला खोलना है। देख पा रहे हैं डैशबोर्ड किस तरीके से है, ऐसा बनाया है इसको, यूँ लेबल दिख रहा है बिल्कुल। ये मॉडल का डैशबोर्ड बिल्कुल अलग ही दिख रहा है एकदम। तो चलो फिर इसको अब निकालते हैं अपन, देखते हैं इसका फंडा कैसा क्या है नहीं है। तो ऊपर वाला खोल, नीचे वाला खोलते हैं सबसे पहले। ये 10 नंबर है, इसमें 1 10 नंबर अंदर दिया है, 2, उसके बाद एक इधर है, 3, फिर एक इस साइड रहेगा इधर दिया है तो 4, एक इधर ये सामने 5, 1 6, 1 नीचे रहेगा 7, 1 ये ब्लोअर मोटर में 8। तो चलो ये सब खोलता हूँ मैं। तो फाइनली इधर का जितना भी 10 नंबर था वो सब खोल दिया हूँ, देख पा रहा हूँ। और ये क्लिप वगैरह जो है ना, वायरिंग के साथ जो क्लिप दिया हुआ रहता है वो चेक कर लेना आप। तो एक क्लिप तो इधर से निकला मेरा, उसके बाद ये बोनेट का केबल, OBD सॉकेट, और ये क्लिप यहाँ पे लगी थी। इधर आ जाइए, ये वाला क्लिप यहाँ से खोला हूँ, और ये वाली सॉकेट का यानी 12 वोल्ट लाइटर वगैरह का देख लेते क्या है, लाइटर का है। तो यहाँ का सॉकेट का जो है ये वाली, तो इसका सॉकेट मैंने इधर से क्लिप से निकाल दिया हूँ, ये वाला अलग कर दिया हूँ, उसके बाद ये वाली अलग कर दिया हूँ, ये सब अलग कर दिया हूँ। क्लिप में बैठा हुआ था इधर इस तरीके से, तो इसको अलग कर दिया हूँ। अब ये भी निकालना है तो मैं ये उस साइड से जाके निकालता हूँ। बाकी इधर का तो सब खुल चुका, अब उधर का एक बोल्ट 10 नंबर वहाँ का और एक नीचे का खुलना बाकी है। तो चलो उस साइड चलते हैं फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली इस साइड से ये क्लिप का वायर तो निकाल दिया हूँ, 1 10 नंबर इधर से, इधर से, इधर से, और ये निकाल दिया हूँ। ये निकाल के यहाँ का 10 नंबर खोलना पड़ता है। तो अब ना ये अब फाइनली निकल चुका, और इस चीज़ का ध्यान देना, ये बाहर डैशबोर्ड निकालेंगे तो ये कहीं गिर भी सकता है, तो इस चीज़ कैसा बैठा हुआ रहता है वो चीज़ देख लेना। अब ये भी इधर से अपना निकल गया, और कुछ नहीं है बस, ये बिल्कुल एक खिलौना है ऐसा ही समझ लो। तो गाइस मैं ये सब चीज़ें ना जो है ना दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए, चाहे कस्टमर हो या काम करने वाले हो या सीखने वाले हो या जो भी हो एनीथिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को देखें, सीखें, आपको भी समझ में आए। आपके पास गाड़ी है तो आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज़ है इसके अंदर, इतना बड़ा क्यों दिख रहा है ये, इसके अंदर क्या चीज़ घुसा हुआ है, अंदर क्या चीज़ डाला हुआ है, ये सब चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। तो चलो अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ। ये चीज़ कहाँ से निकला मेरा, ये चीज़ यहाँ से निकला, नहीं तो बाद में फिर ढूंढते रह जाओगे। तो चलो इसको बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली देख पा रहे हैं नीचे का डैशबोर्ड भी खुल चुका, निकाल दिया हूँ। तो गाइज़ अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब आप इसको कैसे निकालें। क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको बोल्ट फिक्स दिया हुआ रहता है, उसके साथ भी निकाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बोल दिया है, ये खोल के क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ निकाल सकते हैं इसको एंगल को। तो उसको निकालने के लिए तो फिर अपना स्टेयरिंग भी है, स्टेयरिंग को यहाँ से खोलना पड़ेगा आप अगर क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ निकालेंगे तो, या फिर सिर्फ एंगल निकालेंगे तो भी स्टेयरिंग को खोलना पड़ेगा आपको, या फिर स्टेयरिंग के साथ निकालेंगे तो यहाँ से खोलना पड़ेगा। अगर स्टेयरिंग को अलग कर देंगे तो ये चारों बोल्ट अलग करना पड़ेगा, स्टेयरिंग को नीचे लेना पड़ेगा। तो गाइज मैं सबसे ईजी जो स्टेप समझता हूँ ना इसका भी निकालने का, आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को बाद में निकाल सकते हैं, पहले एंगल निकाल दें, स्टेयरिंग को नीचे ले लें, या फिर स्टेयरिंग के साथ निकाल दें, पूरा सेटअप निकाल दें। तो मैं जो निकालने जा रहा हूँ सबसे पहले एंगल निकाल रहा हूँ। एंगल निकालने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेयरिंग को नीचे ले लूँगा मैं, इसको चारों बोल्ट 12 नंबर दिया हुआ है, इसको खोल के स्टेयरिंग को नीचे ले लूँगा। ओके, अब इसका वायरिंग है, वायरिंग तो इतना सारा खोलने जाऊँगा नहीं मैं। तो ईजी स्टेप जो मेरे को दिख रहा है, सबसे पहले अपने को ये जानना है कि ये वायर जो दिया है ये वायर आया कहाँ से है, ये बाहर से आया है, तो बाहर से वायर जो आया है तो ये इसको खोलने की ज़रूरत है अपने को। तो ये बाहर से वायर आके इसमें डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है, तो ये वाली सॉकेट बाहर से आया है, तो ये सॉकेट खोल लेंगे, ये वाली सॉकेट खोल लेंगे, ये वाली सॉकेट खोल लेंगे, क्योंकि ये वाला वायर बाहर से आया है। तो यहाँ से खोल लेंगे तो ये सब फ्री हो जाएगा, और एक सॉकेट इधर से आया है, ये सॉकेट खोल लेंगे तो ये सब फ्री हो जाएगा।
अब उसके बाद फ्यूज बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब यहाँ से वायरिंग्स, यहाँ से यहाँ ये सब जो वायर गया है कहाँ गया है, इधर आया है, तो इधर में आया है, तो ये सब वायर तो खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसके साथ एंगल के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें बाहर से वायर कहाँ से आया है, ये दोनों वायर दिख रहा है, एक ये वाली एक ये वाली, उसके बाद एक ये वाली खोल देंगे अपना ये निकल जाएगा। अब फिर एक नीचे वायर गया है जो कि ये बाहर से है, तो ये सब सॉकेट खोल देंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इधर का इतना काफ़ी है, स्टीयरिंग बॉक्स नीचे ले लूँगा। अब रही ये वाली वायरिंग पीछे गया है फ्लैप में, फ्लैप मोटर में, और नीचे गया है आई थिंक ये वायर काहे का जो है समझ नहीं आ रहा है अभी मेरे को। तो फिर उसके बाद ये एयरबैग मॉड्यूल में आया है, गियर बॉक्स की तरफ का आया है वायर, तो ये गियर बॉक्स का वायर मेरे को पूरा खोलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंगल के साथ ये सब जुड़ा हुआ है, तो ये सब मेरे को खोलना पड़ेगा। ये एयरबैग सॉकेट निकाल के मेरे को वायर अलग करना पड़ेगा। इस साइड इतना ही काफ़ी, इतना निकालना पड़ेगा, और इस साइड जो देख पा रहे हैं ये वाली सॉकेट खोल देंगे अपन, बस अपना काम सही हो जाएगा। यहाँ से 2-3 सॉकेट है और इसको निकाल लेंगे तो यहाँ का सब सिस्टम सही हो जाएगा, बस बाहर से और यहाँ से और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं। तो चलो सबसे पहले स्टीयरिंग बॉक्स को नीचे लेता हूँ मैं। तो फाइनली स्टीयरिंग को नीचे ले लिया हूँ, लेकिन बट ये पूरा नीचे नहीं आया है क्योंकि अभी ये वाली बोल्ट जो है ना, एंगल आगे लूँगा तभी जाकर के ये बोल्ट निकलेगा, तो इस वजह से अभी ये होल्ड है यहाँ पे। उसके बाद मैं खोला क्या क्या हूँ, तो पहले ये वाली पट्टी खोलना पड़ेगा अपने को, ये निकाल लेंगे क्योंकि जब एंगल और क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट साथ में निकालूंगा इसका तो जगह नहीं मिलेगा अपने को निकालने के लिए, अड़चन करेगा, इसकी वजह से ये पट्टी खोल देता हूँ। उसके बाद ये सारी सॉकेट खोलना पड़ा, स्टीयरिंग का सॉकेट यानी इग्निशन की का, उसके बाद की सिलेंडर का सॉकेट, एयरबैग वगैरह ये सब का सॉकेट जो इसमें लगा हुआ था वो निकाल चुका हूँ। उसके बाद ये वाली सॉकेट, ये सब सॉकेट निकालना पड़ा, नीचे आ जाइए, नीचे ये सॉकेट अलग करना पड़ा, ऊपर ये सॉकेट, ये सब सॉकेट अलग करना पड़ा, यहाँ से एक बोल्ट खोलना पड़ा 12 नंबर है एक यहाँ पे, तो इस साइड का लगभग पूरा खुल चुका है, अपने को सिर्फ ये वाला 10 नंबर खोलना है और ये पट्टी बाहर निकालना है। सेम इस साइड एक 12 नंबर इधर है, एक ऊपर रहेगा, उसके बाद एक 10 नंबर इधर खोल के इसको अलग करना पड़ेगा। और उधर क्या क्या खोलता हूँ वो जाकर के उधर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस फाइनली सब अंदर से खुल चुका है और बाहर से भी खोल चुका हूँ मैं, तो यहाँ की एंगल तो दोनों निकाल चुके थे, यहाँ पे जो पट्टी दी हुई रही थी वो निकाल चुका हूँ, और इधर का दोनों 12 नंबर खोल चुका हूँ, यहाँ पे एक 10 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर, नीचे यहाँ से यहाँ तक एक पट्टी रहती है वो भी खोल चुका हूँ, 12 नंबर दिया हुआ रहता था, और नीचे 10 नंबर एक यहाँ और एक 10 नंबर यहाँ, ये भी खोल चुका हूँ, और ये वायरिंग का सॉकेट वगैरह सब निकाल चुका हूँ। उसके बाद ये वाली वायरिंग यहाँ पे रहता है ये भी निकाल चुका हूँ, सब कुछ निकल गया है अपना, बाहर से भी खोल चुका हूँ, अब अपना एंगल विथ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ आ जाएगा, ज़रा आपको दिखा देता हूँ मैं, देख पा रहे पूरा बाहर आ रहा है, तो ज़रा बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाहर से मैंने क्या क्या खोला है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बाहर से अपने को सिर्फ हीटर और एक्सपेंशन वाल खोलना पड़ता है, हीटर का पाइपलाइन, और बाकी कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि सब बोल्ट अंदर से ही दिया हुआ रहता है। तो चलो बाहर से क्या खोल रहा हूँ, तो ये देख पा रहे हैं एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट ये वाली, और हीटर पाइप का दोनों खोल चुका हूँ। तो अब अपना एंगल विथ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर निकल जाएगा, तो चलो मैं बाहर निकालता हूँ इसको। एंगल ए स्टीयरिंग बॉक्स भी इसके साथ निकाल सकते थे अपन, लेकिन वज़न ज़्यादा हो जाएगा इसकी वजह से मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, इधर छोड़ दे रहा हूँ नीचे, वज़न की वजह से, क्योंकि ज़्यादा उठाना पड़ेगा, और स्टीयरिंग बॉक्स निकाल नीचे रख दूँगा तो वज़न कम लेना पड़ेगा अपने को, बस यही रीज़न है। तो चलो ज़रा बाहर निकालता हूँ मैं इसको, बाहर निकाल के फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट एंगल सब निकाल चुके हैं, और इसको स्टीयरिंग को इधर ही रखा हूँ, स्टीयरिंग बॉक्स को। अब चलो बाहर चलते हैं।
तो गाइस ये रही अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट विद एंगल के साथ। लेकिन आपको एक नज़ारा यहाँ पे एक देखने को मिलेगा कि इसका कूलिंग कॉइल जो है नीचे से भी निकल जाता, दैट्स राइट निकल जाता, लेकिन नीचे कुछ जगह नहीं दिया है इसको, इतना जगह दिया है पत्रे से टच रहता है यह बॉडी, तो जगह मिलता नहीं है इधर, इसकी वजह से नीचे से निकलता नहीं है। काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन बैठाने टाइम काफ़ी मुश्किल करेगा। इस वजह से इसको बाहर निकाला गया, क्योंकि जैसे अपना इनोवा में दिया हुआ रहता है, प्लस स्विफ्ट में दिया हुआ रहता है, प्लस फॉर्च्यूनर में दिया हुआ रहता है, उसी तरीके का दिया है, लेकिन बस इसमें जगह नीचे गैप जरा सा भी नहीं रहता है, इस वजह से इसको खोलना पड़ेगा। तो मेरे को ब्लोअर का डक्ट अलग करना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा सेम उसी तरीके से, बस 4-5 स्क्रू दिया हुआ है बाकी कुछ नहीं। तो चलो ब्लोअर का डक्ट अलग करता हूँ मैं पहले। तो फाइनली ब्लोअर का डक्ट को अलग कर चुका हूँ, अब देख पा रहे हैं ये सब स्क्रू खोलना पड़ेगा अपने को, बस ऐसे 2-3 उस साइड दिया है। तो यहाँ से कूलिंग कॉइल देख लीजिए सरने को आया है, बाहर निकालूंगा तो फिर समझ में आएगा। तो चलो इसको मैं स्क्रू खोल के सब बाहर निकालता हूँ इसका। तो देख पा रहे हैं स्क्रू खोल दिया हूँ, अभी अपना इजीली बाहर निकल गया। तो देख लीजिए आपके सामने कॉइल पड़ी है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, प्रेशर मारने के बाद इसको जो है ना 300 का प्रेशर मैं मार के रखा था, लेकिन बट प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा था। ये ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो लीकेज रहता है ना मिट्टी वगैरह जाकर के ना इसमें बैठा हुआ रहता है, तो अब प्रेशर मारोगे ना तो प्रेशर ड्रॉप होता नहीं है जल्दी। हाँ, जब ये एसी चालू करते थे, एसी ऑन रहता था, तो ये ठंडा होके ये नरम हो जाता है, फिर वहाँ से गैस निकलने लगता है, यही रीज़न रहता है। तो चलो इसको बाहर निकालता हूँ मैं, बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व खोलना पड़ेगा तभी जा करके ये बाहर निकलेगा। तो एक्सपेंशन वाल्व खोलता हूँ मैं, फिर बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली इसका एक्सपेंशन वाल्व खोल चुका हूँ, अब ये अपना इवेपोरेटर कॉइल इजीली निकल जाएगा। तो देख लीजिए इसमें ये सेंसर लगी है, इसका लीकेज का फंडा तो आपको समझ में आ गया रहेगा। तो अब चलो मैं आपको नया वाला दिखा देता हूँ, ये रही न्यू वाला। देखते सेम है, बिल्कुल सेम ही है, बस इसका सेंसर का लोकेशन जहाँ है वहाँ बैठा देना है अपने को। तो चलो इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ। तो फाइनली नया वाला फिट हो गया, अब इसका कवर लगा देता हूँ, तो सब फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, चलो फिर इसमें उसको गाड़ी में डालता हूँ, फिर गाड़ी में डाल के दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली एंगल विथ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट डाल चुका हूँ, और ये वाली बोल्ट जो खोले थे अपन, जितना इजी था खोलने में उतना बैठाने में डिफ़िकल्ट भी है। तो गाइस यहाँ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं और खोल सकते थे अपन भी, लेकिन बट यहाँ से मेरे को खोलना ना बहुत डिफ़िकल्टी लगता है। क्यों? क्योंकि जितना टाइम इधर लॉस करते हैं लॉक खोलने लगाने ये करने वो करने में ना, उससे अच्छा अपना डैशबोर्ड खोल के बाहर ही आ जाता है, तो क्लीन विलीन भी हो जाता है, टेंशन नहीं। आप अगर खोलना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली खोल सकते हैं इसको, बस मैं आपको ये चीज़ें बता दी हूँ, पहले ब्लोअर खुलेगा फिर वापस से ये खुल जाएगा। तो मैं खोला इसकी वजह से कि अपने को ना नीचे लेटने वगैरह में ना हाथ डालने वगैरह इसमें जमता नहीं है, इसकी वजह से पूरा ही खोल दिए इसको। तो चलो फिर सब फिटिंग करता हूँ मैं, फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली वायरिंग वगैरह सब कुछ लग चुका अपना, देख पा रहे हैं सब कुछ A to Z, मतलब जो जो बोल्ट खोला गया था, वायरिंग जो भी खोला गया था, हारनेस
सॉकेट वगैरह फिस वगैरह सब प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, बोल्ट वगैरह जो भी खोला गया था। तो चलो अब इसके नीचे वाला डैशबोर्ड डाल देता हूँ पहले, नीचे वाला जो लास्ट में खोले थे वो अभी पहले डालना है अपने को, तो चलो फिर वो डालता हूँ मैं। तो फाइनली डैशबोर्ड डाल भी दिया हूँ और फिटिंग भी कर दिया हूँ सब, देख पा रहे हैं जैसा जैसा जो जो वायर खोला गया था सब वैसे वैसे फिट हो चुका। तो चलो अब इसके ऊपर का डैशबोर्ड डाल देता हूँ, डाल के फिर दिखाता हूँ ये लॉक ये बटन जो खोले थे अपन किस तरीके से बैठाऊँगा। तो चलो फिर, तो फाइनली ऊपर का भी डैशबोर्ड डाल चुका हूँ देख पा रहे हैं। तो चलो अब इसको फिट करता हूँ, मीटर वगैरह टैप वगैरह कंट्रोल पैनल वगैरह, बस कंट्रोल पैनल फिटिंग करने टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बटन कैसे डालने का है। तो चलो सब फिटिंग करता हूँ। तो गाइस इसको बैठाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं, जो पोजीशन में खोलते हैं वही पोजीशन में रख करके बस ये लॉक का ध्यान रखना, उसी में बैठा देना, बैठ जाता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो ये सब फिटिंग करके फिर ए टू जेड सब फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली डैशबोर्ड तो लगभग पूरा फिट हो चुका है, बस उधर का साइड पैनल लगाना बाकी है और कंट्रोल बॉक्स को लगाना बाकी है, ग्लो बॉक्स लगाना बाकी है। तो जब तक पहले मैं बाहर चलता हूँ, बाहर प्रेशर मार के वगैरह दिखा देता हूँ। ये रही लॉ वाला एडाप्टर लगा दिया हूँ मैं, और ये मेटल लाइन में आ गया और इसको हाई वाले से कनेक्टेड है और बीच वाले में से प्रेशर मार रहा हूँ, इसको खुला रखा हूँ और ये डायरेक्ट कंप्रेसर में आया है, कंप्रेसर स्टार्ट कर रहा हूँ, चालू हो चुका, प्रेशर बढ़ रहा है, देख पा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है। पहले 300 का प्रेशर मार के रखा था, दो दिन तक प्रेशर होल्ड था, जरा सा भी ड्रॉप नहीं हुआ था। तो लेकिन कस्टमर का कंप्लेन था कि 3-4 महीना चलता है उसके बाद कूलिंग करना बंद कर देता है, नहीं गैस निकल जाता है। तो इसका कॉइल का प्रॉब्लम था, वो फॉल्ट मिल चुका, 300 का हो चुका प्रेशर, इसको बंद कर देता हूँ मैं। तो इसको कंप्रेसर भी बंद कर दिया, इसको होल्ड रखेंगे जब तक अपना अंदर का फिट हो जाएगा। तो चलो इसको होल्ड रखते हैं और अंदर का फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ। तो डैशबोर्ड फाइनली प्रॉपर तरीके से पूरा फिट हो चुका है, बाहर प्रेशर मार के रखा हूँ, तो चेक कर लेते होल्ड है क्या नहीं। होल्ड है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी है इस वजह से। तो प्रेशर छोड़ देता हूँ, तो लाइन चेंज कर देता हूँ, वैक्यूम में लगा लेता हूँ इसको। तो इसको खोल देता हूँ, ये लाइन उधर ही रखना है, इसको बंद कर देता हूँ और ये लाइन को वैक्यूम लाइन में लगा देता हूँ, इसको चालू कर देता हूँ, देख पा रहे हैं वैक्यूम हो रहा है। तो चलो वैक्यूम होने देते हैं, इधर का सब फिट हो गया सब प्रॉपर तरीके से। अब बैटरी वायर लगा करके गाड़ी चालू करके गैस चार्जिंग वगैरह करके कूलिंग टेम्परेचर दिखाऊँगा। तो अपना वैक्यूम कम्प्लीट हो चुका है देख पा रहे हैं, इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से खोल लेता हूँ। अब इसको सिलेंडर में लगा लेता हूँ, सिलेंडर में लगा चुका हूँ और इसको चालू कर चुका हूँ और यहाँ से गैस छोड़ेंगे। तो चलो सबसे पहले अंदर से गाड़ी चालू करता हूँ, बैटरी वायर लग चुकी है, पे कर दिया, गाड़ी चालू करता हूँ, चालू हो चुकी है गाड़ी, कोई लाइट वाइट कुछ नहीं आ रहा है, एसी चालू कर देता हूँ यहाँ से। तो चलो अब बाहर चलते हैं, गैस चार्जिंग वगैरह करता हूँ। तो जब तक मैं मीटर लाइन लगा देता हूँ, बोल रहा हूँ थर्मामीटर लगा देता हूँ,
ताकि अपन डायरेक्ट आकर के कूलिंग टेम्परेचर चेक कर सकूं। टेम्परेचर तो चलो अब बाहर चलते हैं। ब्लोअर की स्पीड 2 पे रखता हूँ और गैस चार्जिंग वगैरह करता हूँ मैं। तो अब यहाँ से मेरे को सिर्फ गैस छोड़ना है। गैस जा रहा है, कंप्रेसर ऑन हो गया। इसको गैस फुल करता हूँ मैं। फैन वगैरह चालू हो चुका, सब बराबर चल रहा है। अभी रिटर्न नॉर्मल आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। तो मैं फुल चार्ज गैस चार्ज कर लेता हूँ और अंदर जाकर के डायरेक्ट अब आपको कूलिंग टेम्परेचर दिखा रहा हूँ कितना कूलिंग आ रहा है इसमें। तो अपना गैस चार्जिंग फुल हो चुका, गैस फुल चार्ज हो चुका, देख पा रहे हैं। लो टेम्परेचर 30 पे है, 30। अब अपना फैन वगैरह सब बराबर चल रहा है, रिटर्न लाइन बराबर दे रहा है, लिक्विड पाइप भी नॉर्मल ठंडा गर्म हो रहा है, सब सही चल रहा है। तो चलो अब अंदर चलते हैं, कूलिंग टेम्परेचर चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो देख पा रहे हैं 4.7, 4.9, 5.4 ट्रिप मार चुका अभी कंप्रेसर, 4 तक आ रहा है इसका कूलिंग टेम्परेचर। तो गाइस, मैंने आपको किस तरीके से ये वीडियो बना करके आपके सामने लाया, और बस इसके वजह से इसलिए लाया हूँ कि ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। क्योंकि ये गाड़ी ना जिसके पास भी गया ना कूलिंग लीक टेस्ट के लिए, क्योंकि इसका गैस 3-4 महीने में निकल जाता था, तो 4 महीने में निकलता था गैस, ये सोचने वाली बात है। जिसके पास भी गया 300 का प्रेशर डाल के रखा, लेकिन बट प्रेशर ड्रॉप ही नहीं हो रहा है इसका, क्या फंडा है, प्रेशर ड्रॉप ही नहीं हो रहा है। 300 का प्रेशर कम नहीं है इतना मानने के बाद, जबकि कूलिंग कॉइल का लीकेज नहीं दिखा रहा था। तो फिर मैंने, मेरे पास जब आया फर्स्ट टाइम, तो मैं उस टाइम बिज़ी था, मतलब काम काफ़ी था अपने पास, इसके वजह से मैं उनको गैस मार के दिया और मैं उनको बोला जब आपका कूलिंग नॉर्मल हो जाए फिर मेरे पास आ जाना। तो लेके आया बाहर, मैंने चेक किया, प्रेशर मारा, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी लीक नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, सब पूरा सिस्टम सही दिख रहा है बाहर से। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई आपका तलाजा चेंज करना पड़ेगा, यानी इवेपोरेटर कॉइल चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे भी थोड़ा अंदर डाउट था कि शायद तलाजा लीक हो या ना हो, लेकिन फिर यहाँ समझ में आ रही है कि तलाजा ही लीक होगा, क्योंकि ये कूलिंग के टाइम ये गैस जब चार्ज करते हैं, जब एसी चालू होती है ना, तभी लीकेज करता है ये, बाकी ऐसे ऑफ टाइम में लीकेज नहीं करेगा ये, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह भरा हुआ रहता है ना, वो ठंडा होता है तो मिट्टी में पानी वगैरह जाता है, तो वो नरम होता है, तो नरम होने के बाद ही गैस छोड़ता है उधर से। तो इस वजह से मैं बोला तलाजा चेंज कर दो, कहानी ख़त्म हो गया। तलाजा खोला, देखा, आपको भी दिखाया कि तलाजा का कंडीशन क्या हो चुका था, लेकिन यहाँ से स्मेल लेना चाहे तो स्मेल भी नहीं आती थी, ये कहानी थी ये गाड़ी की। तो गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मैं जो जिस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आता होगा। तो गाइस, बस मेरा रीज़न यही है आप लोगों तक पहुंचाना, बस और कुछ नहीं। तो चलो फिर इस वीडियो में यहीं तक काफ़ी, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।